हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो आज से हम अपना चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे, मोशन इन अ प्लेन। अभी तक आप लोगों ने जो लास्ट चैप्टर देखा था वो काइनेमेटिक्स का वन डायमेंशन टाइप था, मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी। तो काइनेमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स में दो तरह की काइनेमेटिक्स है, वन डायमेंशन में और टू डायमेंशन में। काइनेमेटिक्स के अंदर आप लोगों ने देखा था कि वो ब्रांच होती है जिसके जहाँ पे हम लोग कि ऑब्जेक्ट को मोशन में तो स्टडी करते हैं, बट उनके बिहाइंड में जो फैक्टर होता है फोर्स, उस फोर्स के बारे में हमें कैलकुलेशन नहीं कराई जाती। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं आती कि हमारा फोर्स से एक्सेलरेशन का कनेक्शन करवा दिया, लाइक एफ इज इक्वल टू एम ए जैसी जो बात है ना, कि एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो फोर्स भी प्रेजेंट होगा, इस तरह की कोई बात हमारे पास काइनेमेटिक्स में देखने को नहीं मिलती। ये चीज़ डायनेमिक्स का पार्ट है जो चैप्टर नंबर 5 के अंदर आएगा जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्लास। अब देखो, ये स्टार्टिंग के स्लाइड में जब आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया था तब बातें बताई थी, पूरा क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझा दिया था कि मैकेनिक्स क्या होती है, कि भी सारा सेक्शन मैकेनिक्स के अंदर आता है। दो पार्ट होते हैं मैकेनिक्स में, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस चीज़ को पढ़ाया जाता है स्टैटिक्स में। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आप ऐसे ही मान के चलिए, क्योंकि ये सेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब ये हायर स्टडीज़ में आपको 12th के बाद ही नज़र आएगा, क्योंकि 11th के फिजिक्स में और 12th के फिजिक्स में तो कोई खास कनेक्शन ही नहीं है। मान के चलो कि 5 से 10% के आसपास 11th के फिजिक्स में जो आपने पढ़ा है वो आपके 12th में काम आएगा। अदरवाइज 12th में बहुत सारी चीज़ें, क्या मतलब 90% से ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं बिल्कुल, और वो 10th के फिजिक्स से कोरिलेट होती हैं। खैर, अब यहाँ पे हमारे पास दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है। अगर मोशन के कॉज को कंसिडर ना करूँ तो काइनेमेटिक्स, और मोशन के कॉज यानी फोर्स को भी कंसिडर करना शुरू कर दूं तो डायनामिक्स। फिलहाल हमारी स्टोरी इस जगह पे आके चल रही है, काइनेमेटिक्स पे। हम वन डायमेंशन में काइनेमेटिक्स काफ़ी डिटेल में आपको 13 लेक्चर्स के आसपास आए थे, बहुत अच्छे से वो चैप्टर मैंने हर बात वहाँ पे समझा दी थी, जितनी बेसिक मैथमेटिक्स चाहिए थी वो भी वहाँ पे करा दी मैंने आपको। तो काइनेमेटिक्स का 1D पूरा हो चुका, अब यहाँ से काइनेमेटिक्स का 2D वाला पार्ट शुरू होगा, और उसको पढ़ने के लिए हमें काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है। तो मतलब ये चैप्टर तो हमारा पूरा हो गया, अब हम इस चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, मोशन इन अ प्लेन। तो हमारा ये वीडियो सीरीज़ का पार्ट नंबर 1 रहने वाला है, ऐसे ही लगभग काफ़ी सारा, मतलब ऑब्वियसली बात है बड़ा सा चैप्टर है, तो इसमें भी 12-13 वीडियोस के आसपास आपकी बनी जाएंगी, हो सकता है एक आज ज़्यादा ही बन जाए। चलो, सब कुछ बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा और सब कुछ आपको ऐसा लगेगा कि कब मेरे को चैप्टर खत्म हो गया पता भी नहीं चला। सिलेबस की बात करें तो भैया देख लो, ये सिलेबस CBSE ने डिफाइन करा हुआ है। इसमें मैं बात करूं तो भैया इतना सेक्शन जो है ये तो सारा वेक्टर ही वेक्टर है, इतने सेक्शन में वेक्टर ही वेक्टर है। और बुक खोल के देखना, NCERT की थ्योरी वैसे ही बहुत बेकार होती है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा NCERT की थ्योरी से, बहुत बेकार तरह से रिप्रेजेंटेशन है। तो ये रिकमेंडेशन है कि NCERT से थ्योरी मत पढ़ा कीजिए, उसमें कुछ समझ नहीं आने वाला, उल्टा आपका दिमाग खराब होगा। NCERT के जो न्यूमेरिकल होते हैं, चाहे वो एक्साइज के हों, चाहे वो आपके कंटेंट में जहाँ पे टेक्स्ट है उसके सॉल्व एग्जांपल हो, वो बहुत अच्छे होते हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं छोड़ने हैं। मेजॉरिटी में जितनी पॉसिबिलिटी होती है, या तो मैं हमने आपको बोला था मैं खुद करा दूंगा क्वेश्चन, या आपको होमवर्क से करने को दे दूंगा, उसके अलावा कुछ छूटेगा नहीं। एक एक क्वेश्चन नहीं करना कभी NCERT का, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्योर कैलकुलेशन वाले हैं, वो कभी एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो NCERT का यूज़ हमें करना है सिर्फ न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी आपकी NCERT में अच्छी नहीं है। थ्योरी अगर किसी को पढ़नी है तो भैया सबसे पहले तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी को चीज़ को पढ़ लो, और उसके बाद भी किसी को नहीं सर हमें थ्योरी में और ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को जानना है तो आपके पास दो रेफरेंस बुक, या तो SL अरोरा ले लीजिए, है ना, 11th क्लास के लिए आती है, दो बुक मिलेंगी, ये दो पार्ट्स में आएंगी, 11th के लिए ही दो पार्ट में आएंगी, Part 1 और Part 2। तो उसमें आपकी ये SL अरोरा काफ़ी डिटेल में कंटेंट को कवर कर देती है। या इसके अलावा हमारे पास एक दूसरी आती है प्रदीप फिजिक्स के नाम से, है ना, प्रदीप पब्लिकेशन के नाम से आती है, तो ये वाली बुक भी काफ़ी अच्छी हैं। बट ध्यान रखना, इन बुक को तभी प्रेफर करना या किसी से लोगे जब आपका पढ़ने का ज़्यादा मन हो, क्योंकि काफ़ी मोटी मोटी किताबें हैं दोनों की दोनों, बहुत डिटेल में कंटेंट दे रखा है, ठीक है, बहुत कुछ है प्रैक्टिस के लिए, ऐसी बात नहीं है, बहुत बढ़िया बुक हैं। बट जो पढ़ने का मन हो, जिसका जिसको अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी ज़्यादा अगर कंटेंट लगता है तो भैया तुम ये नहीं पढ़ पाओगे, फिर इन्हें भूल जाओ। किसी को बहुत अच्छे से कॉम्पिटिटिव लेवल पे प्रिपरेशन करनी है, उसको बेसिक स्ट्रांग चाहिए, तो भैया फिर ये आपकी बुक काम की है। अदरवाइज आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी मोर देन इनफ है, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको बेसिक से एडवांस तक समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो, ये सारा तो वैक्टर वाला पोर्शन हो गया, एक तो वैक्टर है इसके अंदर, इसमें एक रिलेटिव वेलोसिटी भी दे रखी है। वन डायमेंशन में तो आपको पहले पढ़ा दी थी, टू डायमेंशन में यहाँ पे पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का दूसरा टॉपिक हो गया, और उसके बाद ये जो ये वाला सेक्शन है हमारा सारा का सारा, ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे हम सीखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, काफ़ी कुछ आएगा इसके बारे में, बड़ा अच्छा डिटेल में चीज़ें आप लोगों ने, ये डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है, हम लोगों ने देखी हुई है, समझाऊंगा बाद में। अच्छा, इसमें एक बात और नोट करूँ, यहाँ पे एक टॉपिक और दे रखा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
एनसीईआरटी को खोल के देखोगे तो इसके बारे में कुछ बातें दे रखी हैं, बट मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को अभी नहीं पढ़ाऊंगा, इसको यहाँ से स्किप कर दिया जाएगा सर्कुलर मोशन को। रीज़न ये है कि सर्कुलर मोशन यहाँ पर भी दे रखा है इस चैप्टर के अंदर, जब चैप्टर नंबर 5 पढ़ोगे लॉज ऑफ मोशन वहाँ पर भी सर्कुलर मोशन दे रखा है, वहाँ पे बस इतना है फोर्स का इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो थोड़ा सा एडवांस पोर्शन है, तो बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ से सर्कुलर मोशन हटा दूंगा, जब चैप्टर नंबर 5 पढ़ाऊंगा आपको लॉज ऑफ मोशन वाला, तो उसमें तो एक तो लॉज ऑफ मोशन आप पढ़ोगे वहाँ पे उस जगह पे, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है, उनके एप्लीकेशन है, बहुत कुछ है, है ना। लॉज तो वैसे भी 9 से पढ़ते आ रहे हो, उन एप्लीकेशन न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब वही बात है कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ोगे, और तीसरी चीज जो आएगी वो आएगी सर्कुलर मोशन, पूरी सर्कुलर मोशन की कहानी ए टू जेड सारी की सारी यहां जाके खत्म करेंगे इस पांचवें चैप्टर के अंदर। तो यहां पे मैं स्किप मार दूंगा इसको और पढ़ाऊंगा पांचवें चैप्टर के अंदर, डन। तो इतना तो मैं समझ में आया वो बात। चलो तो तीन चीजें हैं, वेक्टर है, प्रोजेक्टाइल मोशन है और रिलेटिव वेलोसिटी है, बस ये तीन चीज़ें इस चैप्टर में। रिलेटिव वेलोसिटी ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत मतलब बहुत कंसाइज सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ही कंटेंट आएगा, मुश्किल से दो क्लास आएंगी रिलेटिव वेलोसिटी पे, बाकी डिटेल में सारा वेक्टर और प्रोजेक्टाइल ही पढ़ना है तुम्हें। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले बात आती है फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। चैप्टर आपको शायद से ये बात चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाई होगी, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं दैट कैन बी मेजर्ड, जिन क्वांटिटी को हम लोग प्रॉपरली मेजर कर सकें, एंड विच फॉलोज लॉज ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स के लॉज को फॉलो करती हूँ, उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी थी, याद आ रहा होगा आपको, मास था, लेंथ था, टेम्परेचर था, इलेक्ट्रिक करंट था, ऐसे करके क्वांटिटीज़ पढ़ी थी वो सारी के सारी, तो सब फिजिकल क्वांटिटीज़ थी हमारे पास, है ना। इनका यूज़ करके हमने डराइव्ड क्वांटिटीज़ भी बनाई थी, याद आ रहा है ना थोड़ी सी बातें। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी होती हैं जिनको मेजर कर सकते हैं और जो फिजिक्स के लॉज को फॉलो करती हैं। अच्छा, अब फिजिकल क्वांटिटी को थोड़ा और डिस्क्राइब करें तो दो पार्टीशन में उनको डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होगी या वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब हमारा चैप्टर कौन सा है, वेक्टर का है, तो हम डिटेल में किसको पढ़ेंगे, वेक्टर को पढ़ेंगे। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, कि स्केलर वेक्टर क्या होते हैं, उसके बाद डिटेल में चैप्टर तो वेक्टर के ऊपर ही पढ़ना है। और मेरी बात ध्यान रखना भाई, अगर आपको वेक्टर समझ में आ गए ना, तो ये वेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट जो यहां पढ़ाऊंगा ये पूरी 11th में यूज़ होगा, जगह जगह पे कहीं पर भी यूज़ आ जाएगा, और भैया 12th में तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत कुछ ऐसा है जो आपका वेक्टर के ऊपर बेस्ड है, जिसको वेक्टर नहीं आता 12th में बहुत कुछ अटक जाएगा बीच में। तो इसलिए ज़रूरी है आपको अच्छे से वेक्टर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 12th के फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, मैथ्स में तो वेक्टर आता ही आता है 12th के अंदर, बात होती है फिजिक्स की, तो भैया वेक्टर वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स बड़े स्ट्रांग होने चाहिए तुम्हारे इसमें। चलो आगे चलो, अब बात आती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, एक ऐसी क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी बोलूंगा जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब मुझे उस क्वांटिटी को अगर कम्प्लीटली रिप्रेजेंट करना है, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए उसमें कोई, है ना, और अगर कोई यूनिट है तो वो यूनिट भी हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, कि कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी भी होती है जिनकी कोई यूनिट नहीं होती। तो मैग्नीट्यूड में दो चीज़ें आती हैं, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। एग्जांपल के तौर पे मास है, जैसे मैंने कहा मास 10 है, तो 10 क्या कुछ तो लिखोगे ना, यूनिट तो होती है ना वहाँ पे, तो 10 किलोग्राम, तो ये 10 किलोग्राम जो आपने लिखा है ना, ये मैग्नीट्यूड है। इसी तरह से कोई और चीज़ समझ लो, जैसे मान लिया हम लोगों ने कोई और एंगल है, जैसे एंगल के बारे में बात करा, तो एंगल आपने बोला पाई बाय फोर क्या रेडियन, तो क्या ये मैग्नीट्यूड है ना भाई, वैल्यू भी है इसके अंदर और इसमें यूनिट भी आ रही है। यूनिट नहीं भी होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने 10th में पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से या एन से शो किया करते थे, मान लिया ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, बात खत्म हो गई। तो ये 1.5 क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी क्वांटिटी हुई, क्योंकि मैग्नीट्यूड चाहिए इसमें, डायरेक्शन चाहिए ही नहीं, तो वो स्केलर क्वांटिटी हुई। तो ऐसी सारी क्वांटिटीज़, ऐसी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन नहीं चाहिए, ऐसे को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, कुछ एग्जांपल यहाँ लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे देख लेना, ये सब स्केलर हैं। आप मुझे बताओ टाइम के बारे में बात करते हैं, आपसे किसी ने पूछा टाइम बताओ कितना हो रहा है, आपने कहा सर 3:10 हो रहे हैं, शाम के बज रहे हैं, तो आप PM बोल दोगे 3:10 PM, देन सफिशियंट बात है। अब उससे ये थोड़ी ना बताओगे 3:10 PM टूवर्ड्स ईस्ट, ऐसे लिख के बताओगे क्या कि इतना टाइम हो रहा है ईस्ट डायरेक्शन में,
या इतना टाइम हो रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली बात है जरूरत ही नहीं है उस चीज़ की। तो यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने की जब जरूरत नहीं है तो ये मैग्नीट्यूड से काम चल गया, तो ये टाइम स्केलर क्वांटिटी हुआ। अच्छा, इसी तरह से किसी ने पूछा कि आज एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कितना है, आपने कहा 43 डिग्री सेल्सियस है, ख़त्म कहानी। ये थोड़ी ना बताओगे 43 डिग्री सेल्सियस से डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा, डायरेक्शन चाहिए ही नहीं, तो उनको सबको बोलेंगे हम लोग स्केलर क्वांटिटी। तो कोई नई क्वांटिटी भी आए ना, थोड़ा दिमाग लगा के समझ लेना कि यहाँ पे कोई डायरेक्शन चाहिए भी होगी या नहीं चाहिए होगी, बिना डायरेक्शन के भी काम चल जाएगा क्या। तो वो सब स्केलर की एग्जांपल में आएंगी। कुछ लिखे हुए हैं, ये सारे नहीं हैं, ऐसा नहीं है पूरी लिस्ट बना दी दुनिया में जितनी भी क्वांटिटी होती हैं सारी स्केलर मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। मैंने कुछ दो चार इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं बस यहाँ पे। एक और होती है इसमें डेंसिटी है, वो भी स्केलर क्वांटिटी होती है ना, बहुत कुछ है ऐसा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है, वो भी स्केलर है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसा काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं, तो ये बात समझ में आई हमें। अब बात आती है वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी डिफरेंस पूछ ले सकते हैं आपसे एग्जाम में, स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी से, या कोई क्वांटिटी देख के तुमसे आइडेंटिफाई करवा लेगा कि बताओ स्केलर है या वेक्टर है ना। अच्छा, एक चीज़ और करंट के बारे में अभी बताऊंगा डिटेल में। करंट कोई पूछेगा तो भैया करंट, इलेक्ट्रिक करंट, वो स्केलर क्वांटिटी में आएगा, वेक्टर नहीं होता। तो उसमें डायरेक्शन भी होती है, पंगा क्या है वो समझाऊंगा अलग से, उसमें बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को कि सर डायरेक्शन भी होती है करंट में तो आप उसे वेक्टर क्यों नहीं बोलते, देखेंगे बाद में। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, उनको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। सिर्फ इन दोनों से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना। बुक में अक्सर ये दोनों चीज़ें लिखी हुई होती है और यहीं पे डाउट होता है करंट वाली बात में, क्योंकि करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और एरो बना के डायरेक्शन भी शो करते हो, फिर वेक्टर क्यों नहीं है। वेक्टर इस वजह से नहीं होती करंट क्वांटिटी, क्योंकि वो वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती है। तो भैया तीन कंडीशन है, कोई क्वांटिटी है अगर तुम कह रहे हो कि ये क्वांटिटी वेक्टर है, तो वेक्टर होने की तीन शर्तें होती हैं। क्या क्या शर्तें होती हैं? मैग्नीट्यूड होना चाहिए कोई ना कोई, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और कोई यूनिट अगर है तो उसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं। कोई डायरेक्शन भी ज़रूर होनी चाहिए उसमें, और साथ में इट मस्ट फॉलो वेक्टर लॉज, मस्ट फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, है ना। ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन आपको पढ़ा दिए जाएंगे आपकी 11th में ही, इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं वेक्टर में, टेंशन ना लो। तो ये तीनों चीज़ें जो चीज़ फुलफिल करती है वो एक वेक्टर है, इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग है तो भैया वेक्टर नहीं है। करंट के केस में क्या होता है, बच्चों को ये पता होता है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वाली जिनमें क्वांटिटी होती है उसको वेक्टर बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करना चाहिए, करंट इसको फॉलो नहीं करती इसलिए वो वेक्टर नहीं है। तो बाकी क्वांटिटी वेक्टर है क्या? हाँ, ये सारी क्वांटिटी कैसी होती हैं? वेक्टर होती हैं। वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, मोमेंटम कोई सा भी हो। मोमेंटम दो तरह के होते हैं, लीनियर मोमेंटम भी होता है और एंगुलर मोमेंटम भी होता है। जब चीज़ें स्ट्रेट पाथ पे चल रही होंगी तब लीनियर मोमेंटम होता है, जब कोई चीज़ गोल गोल घूम रही होगी, रोटेट कर रही होगी, तब एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये सब बहुत कुछ है वेक्टर क्वांटिटी के अंदर, है ना। जैसे फोर्स है, किसने बोला एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओ, ये पत्थर है ना, यहाँ रखा हुआ है एक टेबल के ऊपर, इसके ऊपर फोर्स लगाओ। अब फोर्स आपको, आपने बता दिया फोर्स लगाओ 20 न्यूटन का, अब इसे ये भी तो बता दो फोर्स वो 20 न्यूटन का इधर की साइड से लगाए या इधर की साइड से लगाए, डायरेक्शन बतानी ज़रूरी है ना। भाई दरवाज़ा होता है नॉर्मली, तो वो दरवाजे में आपने उसे बोला कि इस गेट को खोलने के लिए इतने न्यूटन का फोर्स लगाओ, उसने फोर्स लगाया, अब उसे ये भी तो बता दो वो फोर्स अपनी तरफ लगाए या अपने से दूर की तरफ लगाए। तो डायरेक्शन बतानी इंपॉर्टेंट है, तब जाके इन्फॉर्मेशन कंप्लीट मानी जाएगी। तो ये कोई सी भी क्वांटिटी को आप उठा लो, इन सब क्वांटिटी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, और ये क्वांटिटीज वेक्टर लॉज को फॉलो करती हैं। आने वाले टाइम में तुम्हें समझ में आ जाएगी बात, ठीक है जी। तो स्केलर वेक्टर का डिस्टिंग्विशन समझ में आया, काफ़ी डिटेल से बात हो गई। चलो अब बहुत बेसिक से थोड़ी सी बात उठा लेते हैं। ये एक तराजू है मेरे पास, दो बांट रखे हुए हैं, दो वेट्स हैं, ये एक 3 किलो का है, एक 4 किलो का है। किसी ने पूछा बताओ टोटल वेट कितना है, तो आपने क्या करा, आपने 4 किलो को इस पर रखा, 3 किलो को इस पर रखा, ये मीटर कितना दिखाएगा, 4 और 3 7, सिंपल। आपने कहा सर 7 kg आएगा, यहाँ पे जो आंसर है कितना आया, 7 kg आंसर आया। तो टोटल मास निकालना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी मास कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी थी। आपने सिंपल मैथमेटिक्स के अल्जेब्रिक रूल लगा के इनको ऐड कर दिया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। किसने कहा लेंथ है, टोटल लेंथ की बात हुई है, तो उसने कहा 2 मीटर का एक कपड़ा है, 3 मीटर का एक कपड़ा है, बताओ टोटल लेंथ कितनी हुई। आपने कहा 5 मीटर की हो गई टोटल लेंथ,
आपने डायरेक्टली ऐड कर दिया। बट अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो भैया उस सिचुएशन में आप ये काम नहीं कर सकते थे। इसलिए बहुत बेसिक से उठा के चल रहा हूँ, इन सब एमसीक्यू को नोट करने की जरूरत नहीं, तो बच्चों वाले हैं। जो काम की चीज़ है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो नोट करना। सारे एमसीक्यू सब कुछ नोट मत करा करो स्लाइड में से, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है या जो मैं बोलता हूँ इनफैक्ट काफ़ी बार, वो चीज़ें भी आप अपलाइन में नोट कर लिया कीजिए एज इट इज़, सिर्फ वो नहीं कि जो स्लाइड में लिखा हुआ है। तो मास निकल गया, हाँ मास में कोई दिक्कत नहीं है, 7 kg आ गया, समझ में आई बात, डायरेक्टली ऐड कर पा रहे हैं, कोई अलग से स्पेशल रूल नहीं चाहिए, ठीक है। अब करंट पे बात आई, दो तार थे ऐसे ज्वाइन कर रखे थे, इसमें 5 ampere की करंट आ रही है, यहाँ पे हम लोगों ने एक अमीटर लगा रखा था, उस अमीटर ने पढ़ा 5 ampere की करंट, यहाँ पे एक अमीटर लगा रखा था उसने पढ़ी 5 ampere की करंट, यहाँ पे एक अमीटर लगा दिया। अब ये अमीटर कितनी करंट शो करेगा, 5 यहाँ से 5 यहाँ से, सर टोटल 10 ampere की करंट शो होनी चाहिए, यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए, 5+5 10 ampere शो होना चाहिए, और ऑब्वियसली बात है 10 ampere ही दिखाएगा। तो यहाँ भी तो करंट को डायरेक्टली ऐड कर पाए, कोई स्पेशल रूल थोड़ी ना चाहिए था आपको, आपके इस अमीटर ने 10 ampere की रीडिंग दिखाई, यानी ये बिल्कुल स्केलर क्वांटिटी की तरह ही ऐड हो पा रहा है। इसलिए यहाँ पे हमारा जो करंट है वो भी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करूँ ना, अभी बता नहीं रहा हूँ वेक्टर लॉ लगा के, अगर वेक्टर लॉ लगा के इसको सॉल्व करूँ तो मेरा आंसर जो आना चाहिए था वो आना चाहिए था 5√2 ampere। एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको 5√2 ampere आएगा, रूट टू की आप वैल्यू भी रख लो 1.414, तब भी वो वैल्यू लगभग 5.6 something हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट 10 ampere थोड़ी ना पाएगी। रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है ये एमीटर 10 ampere दिखाएगा, और वेक्टर क्या कहता है कि अगर मेरे लॉस से निकालोगे तो 5√2 आएगा, मैच ही नहीं कर रही बात। तो इसका मतलब करंट वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करती, इस वजह से करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। चलो तो ये बात लिखी हुई है, करंट में सबसे बड़ा डाउट होता है स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है कौन सी है, तो भैया करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होती है, रिप्रेजेंट करते तो वो डायरेक्शन को। करंट 5 ampere की एंटर कर रही है यहाँ से, 5 की यहाँ से एंटर कर रही है, अगर वेक्टर लॉ से सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, 5√2 ampere का आंसर आएगा, जबकि अमीटर कितना दिखाता है, 10 ampere दिखाता है। इसलिए इसका मतलब भैया करंट ने वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करा, दैट्स वाई करंट इज अ, करंट कैसी क्वांटिटी हुई, करंट इज अ स्केलर, ठीक है, याद रखिएगा करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अच्छे से ध्यान रखना। वेक्टर क्यों नहीं है, रीजन क्लियर हो जाना चाहिए। अब आते हैं इस पे, अब यहाँ पे डायरेक्शन की चर्चा आने लगी, नेट फोर्स पूछा है इस बॉडी के ऊपर, एरो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, एक पत्थर है इसको एक बंदा यहाँ पे रस्सी बांध के यहाँ पे खींच रहा है 5 newton के फोर्स से, एक बंदा यहाँ पीछे से धक्का लगा रहा है 5 newton के फोर्स से, तो अब सोचो जरा, अच्छा सर 5 newton का फोर्स ऐसे लग रहा है, 5 newton का एक और फोर्स ऐसे लग रहा है, तो टोटल यहाँ पे कितना फोर्स हो गया, कि टोटल फोर्स तो ऐड कर दो आप यहाँ पे, 5+5 कितना हो गया, 10 newton का नेट फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा, यानी ए ऑप्शन सही है हमारे पास यहाँ पे। तो अब मुझे बताओ अपने डायरेक्शन देखी ना देखी, बिना डायरेक्शन के क्या तुम इनको सॉल्व कर देते हर बार ना, अच्छा और देखो जरा और एग्जांपल। अब जैसे ये सिचुएशन आ गई है इसी में, चलो ये देखो इसी में एक एग्जांपल और बताता हूँ, पहले हमारे पास ये पत्थर है, इस पे ऐसा हो रहा है कि यहाँ से फोर्स लग रहा है 10 newton का, ठीक है, और यहाँ से फोर्स लग रहा है सपोज 7 newton का। अब आपसे रिजल्टेंट फोर्स पूछा तो क्या 17 newton बता दोगे, तो ऑब्वियसली बात है सर नहीं, 17 newton तो है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या करोगे, डायरेक्शन देखोगे कि अच्छा 10 न्यूटन का इधर की तरफ लग रहा है, राइट साइड की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन, ये 7 न्यूटन लग रहा है कहाँ की तरफ, 7 न्यूटन लग रहा है लेफ्ट साइड की तरफ, तो नेट फोर्स कितना बचा, नेट फोर्स 3 न्यूटन का बचा इधर की तरफ, आई बात समझ में, 3 न्यूटन का फोर्स आया क्योंकि बड़ा फोर्स ये वाला था। तो आपने क्या करा, डायरेक्शन को देखा, यहाँ तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, और यहाँ पे भी दो फोर्स लगे हुए थे यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का कैसे पता लगा, डायरेक्शन को देख के पता लगा, इसका मतलब फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर होता है, समझ रहे हो ना। इस तरह से बहुत छोटे छोटे चीज़ें उठा के पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें, नेट फोर्स इस पे पूछ लिया, अब ये चार चार फोर्स लग रहे हैं सर कैसे निकाल लें, तो कितना सिंपल है, 3 newton का ये इधर लग रहा है, 4 newton का इधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो होगा क्या कि इस 3 newton में से 4 newton, यानी 4 newton में से 3 newton को माइनस कर दो भाई, 4 newton की फोर्स से कोई इधर को खींच रहा है, 3 से इधर को खींच रहा है, तो 4 में से 3 माइनस हो जाएगा, 1 newton का फोर्स तो बचेगा यहाँ पे, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ऐसे ही 2 newton ऊपर लग रहा है, 2 newton नीचे लग रहा है, ये तो सेम वैल्यू के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो हुआ ये कि इस बॉक्स के ऊपर अब एक नेट फोर्स इधर को बचा, बस कितने न्यूटन का, 1 newton का, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, समझ रहे हो ना। इन दोनों ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में थे, ये अपोजिट डायरेक्शन में तो थे, बट एक कम था, 3 का था, एक 4 का था, तो 4 में से
3 माइनस हो गया है ना, इसको माइनस कर दिया करो क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो 1 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ बचा, डन। सिंपल चीज़, तो डायरेक्शन देखनी पड़ रही है तब जाके क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है। इसको देख लो ज़रा, यहाँ पे सर 1 न्यूटन ऐसे है, 4 न्यूटन ऐसे है, तो होगा क्या, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके यहाँ को बना लेते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करूँ, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, 4 और 1 5, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन हो जाएगा। इधर को ऐसे वाले की बात करूँ, 3 न्यूटन ऊपर है, 1 न्यूटन नीचे की तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको यहाँ से कट करके इसमें से माइनस कर दो 1 न्यूटन, ये कितना बचेगा, 2 न्यूटन बचेगा ऊपर की तरफ, यानी यहाँ पे बचा 2 न्यूटन वाला फोर्स ऊपर की तरफ। समझ में आ रही है, नहीं आ रही है बात? अब कितना हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, समझ में आई बात? तो 90 का जब हमारे पास ये एंगल हो गया, दो फोर्स 5 न्यूटन के और 2 न्यूटन के हैं, तो इनका टोटल फोर्स कितना आएगा, जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो भैया सिंपल पाइथागोरस के अकॉर्डिंग निकाल दिया करो, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 4 प्लस 25, तो आर कितना आ गया, आर आ गया √29 न्यूटन, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स आया है ये। और इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से, ये चीज़ सिखाऊंगा बाद में, अभी फिलहाल देख लो, इस तरह से ये वाला फोर्स होगा यहाँ को, कुछ इस तरह से रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये सब निकालना सीख जाओगे तो मैं कॉम्पोनेंट पढ़ा दूंगा, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा दूंगा, ट्राइंगल लॉ पढ़ा दूंगा, सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए तो ये मान लो कि अगर दो क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी 90 पे आके अटक जाती हैं, तो सिंपल पाइथागोरस जैसा फॉर्मेट लगा के सॉल्व कर डालो, डन। तो देखो बिना डायरेक्शन देखे तो सॉल्व नहीं हो सकते थे ना, तो इसका मतलब ये जो फोर्स वाली क्वांटिटी लग रही है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो प्रॉपर जस्टिफिकेशन हो पा रहा है यहाँ पे। आगे चलते हैं अब ज़रा, अब बात आती है कि डिफाइन नोटेशन ऑफ ए वेक्टर, कि किसी वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, उसका नोटेशन सिंबल क्या होता है। तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो किसी वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करते वक्त उसके ऊपर एक छोटा सा एरो लगा दिया जाता है, वी ड्रॉ अ स्मॉल एरो अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी द सिंबल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर ए कोई वैक्टर क्वांटिटी है, तो इसको अगर वैक्टर फॉर्मेट मुझे शो करना है कि मैं कुछ क्या ऐसा लिखूं जिससे ये रिप्रेजेंट हो जाए कि हाँ ये एक वेक्टर है, तो उसके ऊपर एक एरो लगा दो। जिन भी क्वांटिटी के ऊपर, जिन भी सिंबल के ऊपर एक एरो लगा हुआ होगा, तो उनको हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। स्केलर जैसे देखे हुए हैं, मास है, लेंथ है, टेम्परेचर है, इन पर कभी एरो लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, डायरेक्शन होती नहीं है। जैसे वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, सब पे वेक्टर लगा रखा है, तो एरो अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर लगा देते हो तो उस सिचुएशन में वो वेक्टर की तरह ट्रीट मानी जाती है कि हाँ वो एक वेक्टर है। अच्छा, आजकल एक नया नोटेशन क्या चलने लगा है, आपको क्वेश्चन पेपर में क्या करेंगे, सपोज ए एक कोई वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वो क्या करेंगे, इसके ऊपर एरो लगाने के बजाय इसको बोल्ड कर देंगे, डार्क कर देंगे, क्योंकि कंप्यूटर से ये ऑप्शन करना आसान होता है। तो अगर किसी क्वांटिटी को इस तरह से बोल्ड भी किया हुआ है ना, तो भी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इस बात का ध्यान रखना। आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर में, काफ़ी क्वेश्चंस में ऐसा भी मिल जाएगा, वो क्वांटिटी के ऊपर एरो नहीं लगाने का, वो उसको डार्क कर देगा, डार्क बोल्ड कर देगा, तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये भी आजकल यूज़ होने लगा है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो अब मैग्नीट्यूड की बात करें, भाई वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, एरो लगाया तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट भी कर रहा है, तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का सिंबल कैसे लिखूंगा। सपोज एफ एक वेक्टर है, लिखाया हुआ है एरो लगा के, तो उसके मैग्नीट्यूड को या तो रिप्रेजेंट कर लो इस तरह से, मतलब तुमने मॉड का सिंबल लगा दिया, इस एफ को किस में बंद कर दिया, दो पैरेलल लाइन में बंद कर दिया, जैसे तुम मॉड का सिंबल बोलते हो, पढ़ रखा है ना तुमने, मॉडुलस का सिंबल है ना, इस तरह से ये लगा दिया, या फिर आप इसके ऊपर का ये एरो ही उड़ा दो, या फिर ये लिख दो, तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल बराबर हैं। मेरी बात ध्यान रखिएगा कि वेक्टर एफ का मॉड बिल्कुल एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है इस एफ के, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, चाहे तो ये लिख लो चाहे ये लिख लो। तो कोई भी क्वांटिटी है, एग्जांपल कोई भी एक नाम की क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इस पे ये मॉड लगा दूं, या फिर मैं क्या कर दूं, उसका एरो ही हटा दूं, ये दोनों एक ही चीज बात होती है, याद रहेगी ये बात। तो मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है भाई। तो सिंबॉलिक फॉर्मेट पता होना तो बहुत जरूरी होता है। अब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का, हम स्केलर को भूल जाओ, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का दो तरीके, या तो हम पिक्टोरियली, यानी कि हम पिक्चर्स वगैरह बना के, मतलब इस तरह से एरो एरो बना के हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब कार्टून नहीं बनाएंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब एरोज बनाएंगे लेफ्ट साइड में, राइट में, अभी ऐसे बहुत सारे एरो देखे थे ना, तो उसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। और इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे जैसे ये लिखा हुआ है कि मैंने V के ऊपर एरो लगाया, लिखा 5 m/s और साथ में डायरेक्शन भी मेंशन कर दी, या तो लिख दिया पॉजिटिव एक डायरेक्शन या ईस्ट लिख दिया,
ना, डायरेक्शन भी तो मेंशन करनी पड़ेगी साथ में। तो ये होता है इक्वेशन फॉर्मेट, और ऐसे अगर एरो एरो बना के शो करते हो आप बॉक्स के ऊपर ही, तो वो होता है पिक्टोरियल फॉर्मेट। ठीक है, तो ये स्लाइड नोट करना, हल्की सी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, डिटेल में पढ़ लेते हैं उस बात को। अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, ध्यान रखना वेक्टर का जहाँ एरो होता है उसे बोलते हैं वेक्टर का हेड, और जहाँ पे उसकी डॉट होती है उसे बोलते हैं टेल। मतलब ये कोई वेक्टर बनाया ऐसे ही, तो ये तो उसका हेड है ना, इसे तो हेड बोलूँगा, और जो ये पीछे वाली चीज़ है इसे बोलूँगा उसकी टेल, उसकी पूँछ है ये। तो एक हेड होता है, एक टेल होता है वेक्टर के अंदर। अच्छा, इस वेक्टर की जो एरो की डायरेक्शन है, एरो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये एरो इधर की तरफ जा रहा है तो ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जिस साइड पे एरो होगा वो एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। हो सकता है एरो नीचे की तरफ हो तो डायरेक्शन चेंज हो गई अब की बार, तो एरो तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, और जो ये वेक्टर की लेंथ बनाई है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। देखो लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर की जो लेंथ है ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। मतलब कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर है ए, है ना, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया ऐसी एग्जांपल के तौर पे, ऐसे रिप्रेजेंट किया मैंने इस वेक्टर को। अब अगर किसी ने मुझसे पूछा हाफ ऑफ वेक्टर ए, तो ये आधा हो गया ना, तो मैं क्या करूँगा अब की बार, इसके डायरेक्शन तो उतनी ही रखूँगा, इसका मैग्नीट्यूड आधा कर दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये इस तरह से बात रिप्रेजेंट की जाती है। तो एरो की लेंथ जितनी होगी वो मैग्नीट्यूड बताएगी, और एरो जिधर की तरफ होगा वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये दोनों बातें यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है। जैसे ये फोर्स था 10 न्यूटन का इधर की तरफ है, तो ये दिखा रहा है कि ये कोई भी डायरेक्शन होगी मेरे पास, तो ये इधर की तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी जो एरो की लेंथ है वो एरो की लेंथ बता रही है कि 10 न्यूटन का फोर्स है। सपोज मुझे एक 5 न्यूटन का फोर्स बनाना होता इसी डायरेक्शन में, तो मैं क्या करता, आधा वैक्टर बना देता। समझ में आ रही है ना बात। तो ये आधा वैक्टर बना दिया तो ये 5 न्यूटन का फोर्स बन गया। तो इस तरह से कितना आसान होता है वेक्टर को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना हमारे लिए। तो आप इस वाले डायग्राम को नोट कर लेना, ये वाला डायग्राम जो है, और जो ये दोनों बातें हैं ये लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब ये टॉपिक आप एक सिलेबस में भी आप लोग इसको देखोगे तो ध्यान से, कि किसी वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर करें किसी रियल नंबर से तो क्या होता है। देखो तो बहुत सिंपल चीज़, समझ लो, इस चीज़ को बता भी चुका हूँ वैसे तो अभी एक बार। हमारे पास एक वेक्टर था, ये है मेरे पास वेक्टर ए। ठीक है, मैंने क्या करा, मुझसे पूछा गया फाइंड करो, क्या क्या फाइंड आउट करो, कि भाई एक तो तुम फाइंड आउट करो 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, इसके अलावा तुम फाइंड आउट करो हाफ ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, इसके अलावा तुम फाइंड आउट करो -3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, इसके अलावा तुम फाइंड आउट करो वेक्टर माइनस वेक्टर ए बाय 3 क्या होगा। ये 3-4 भी चीज़ें मुझसे पूछ ली। आप इनको ध्यान से एनालाइज करो, उसने ए वेक्टर के आगे अलग अलग रियल नंबर तो लगा रखे हैं। ए वेक्टर के आगे यहाँ पे 2 लगा हुआ है, यहाँ पे 1/2 लगा हुआ है, यहाँ पे -3 लगा हुआ है, यहाँ पे -1/3 लगा हुआ है। अच्छा, उसने एक चीज़ और बोल दी साथ साथ में, कि इसके साथ साथ माइनस वेक्टर ए भी रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, -1 लगा हुआ है, इससे क्या दिक्कत वाली बात है। तो चलो, अब जैसे वेक्टर ए है, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ 2a वाले वेक्टर को। देखो 2a वाले वेक्टर में प्लस डायरेक्शन है, कुछ माइनस तो नहीं आया, तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को, लेंथ को डबल कर देना है। ये मैंने बनाया, डायरेक्शन वही रखी, तो ये वेक्टर 2a रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये a है, जिधर की तरफ a था उधर की तरफ ही तो 2a आएगा, क्योंकि प्लस लिखा हुआ है, माइनस होता तो एरो चेंज कर देते आप। अच्छा, हाफ ऑफ a, हाफ ऑफ ए का मतलब सर जितना ए का आपका एरो लेंथ है उसका आधा कर दीजिए। ये डायरेक्शन मत चेंज करना क्योंकि माइनस नहीं आया है, तो इसलिए ये क्या है, ये हाफ ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जिसको ये चीज़ें आती हैं उसके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। उसके बाद माइनस ए को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सर जितना आपका मैग्नीट्यूड ए का था ना, मैग्नीट्यूड उतना रखवा लेता हूँ, थोड़ा सा ऐसे बनाने के लिए है, तो बस कुछ नहीं है। तो क्या करूँगा कि मैं बिल्कुल उतना ही मैग्नीट्यूड रखूंगा जितना ए का था, बट नेगेटिव आने की वजह से डायरेक्शन को चेंज कर दूंगा। तो ये माइनस का नेगेटिव वेक्टर हो गया, माइनस का ए। तो अगर वेक्टर ए ऐसे है तो माइनस ऑफ वेक्टर ए उतना ही आएगा, माइनस आया डायरेक्शन चेंज कर दी, बाकी 1 लिखा हुआ है, यानी कि मैग्नीट्यूड यानी लेंथ में कोई चेंज नहीं करना है। अच्छा, अब माइनस का 3a ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, तो यानी कि माइनस मतलब डायरेक्शन भी चेंज करनी है, 3 मतलब 3 गुना करना है। तो एक काम करो कि डायरेक्शन तो चेंज करनी है, इसको 3 गुना करना है। तो ये जो वेक्टर मेरे पास आया ये क्या आया, माइनस का 3a आया, समझ रहे हो ना। इसके कंपैरिजन में डायरेक्शन भी चेंज हो गई और मैग्नीट्यूड भी लगभग 3 गुना हो गया। a बाय 3 करना है, नेगेटिव है, तो
आंसर जो आएगा वो बहुत छोटा सा वेक्टर आएगा, 1/3 वेक्टर आएगा, बिल्कुल है ना, इतना सा वेक्टर आया। देख लो ये आया 1/3 ऑफ ए माइनस में, यानी कि माइनस आने का मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई। 1/3 का मतलब जितनी इसकी लेंथ है इसके 3 इक्वल पार्ट कर लो, 1/3 लेंथ होनी चाहिए। तो क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? किसी भी वेक्टर को अगर किसी आपने रियल नंबर से मल्टीप्लाई करा हो, चाहे किसी रियल नंबर से डिवाइड करा हो आप लोगों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी आसानी से रिप्रेजेंटेशन उसका किया जा सकता है, डजंट मैटर एट ऑल। तो ध्यान रखना, वेक्टर को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह प्लेस कर सकते हैं। ध्यान रखो, अगर ये वेक्टर फिलहाल यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे, इसको उठा के तुम वेक्टर को यहाँ पे रखना इस जगह पे, तो बस डायरेक्शन चेंज मत करना और इसकी लेंथ चेंज मत करना, एज इट इज इसको उठा के आप यहाँ पे रख सकते हो। तो वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड, वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, वेक्टर को उनके पैरेलल डिस्प्लेस किया जा सकता है बिना डायरेक्शन चेंज किए। इस वेक्टर को उठा के यहाँ रखना है, यहाँ पहुँचाना है, पहुँचा दो। इस वेक्टर की ऐसी इमेज बना के यहाँ की तरफ बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेक्टर को इधर उधर उठा के रख सकते हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब पैरेलल ही शिफ्ट करना है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देके जाएगा ये। अब बात आती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर है यूनिट वेक्टर, कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। अब एक ऐसा वेक्टर जो यूनिट वैल्यू का होता है, ऐसी को समझ में आता है ना। अब देखो यूनिट वेक्टर कितनी आसानी से बनाएंगे हम लोग। अब हमारे पास सपोज करो एक वेक्टर ए है, ऐसे इसके डायरेक्शन, ठीक है, थोड़ा सा और लंबा बना दो, ठीक है, थोड़ा ठीक सा बना दो, ये वेक्टर ए है। अब मुझे क्या करना है, मुझे हाफ ऑफ वेक्टर ए रिप्रेजेंट करना है, इसकी वैल्यू सपोज वैल्यू रख लो, वेक्टर ए है सपोज 3 न्यूटन का, कितना है 3 न्यूटन का, ठीक है, वेक्टर ए है 3 न्यूटन का। मुझे क्या करना है, मुझे इसका आधा करना है, मुझे एक वेक्टर रिप्रेजेंट करना है 3/2 न्यूटन का। तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक ऐसा वेक्टर बनाया वेक्टर ए 3/2 न्यूटन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। मैंने 3 न्यूटन का वेक्टर ऐसे बनाया हुआ था, 3/2 न्यूटन का वेक्टर ऐसे बन गया। अच्छा, मैंने क्या करा, मुझे बिल्कुल यूनिट वेक्टर बनाना है, मतलब वेन वैल्यू को बनाना है। तो मैंने क्या करा, मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास वेक्टर ऐसा बन जाएगा। अच्छा, तो मैंने क्या करा, और छोटा करा इस वेक्टर को, तो मेरे पास ये वाला वेक्टर कितना बना, ये बना 1 न्यूटन का वेक्टर। तो सर क्या ये यूनिट वेक्टर है? तो आंसर है नहीं, यूनिट वेक्टर में कोई यूनिट भी नहीं होती है, यूनिट वेक्टर की कोई यूनिट नहीं होती है, कुछ नहीं होता यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर में सिर्फ डायरेक्शन डायरेक्शन होती है, कोई यूनिट यूनिट कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये न्यूटन भी नहीं आना चाहिए। तो क्या करोगे, आपने अभी इसको इस वाले को 3 से डिवाइड किया ना, 3 से मत डिवाइड करो, 3 न्यूटन से डिवाइड करो। यानी कि जब इसको तुम 3 न्यूटन से डिवाइड कर दोगे, यानी कि अब की बार रिप्रेजेंट तो ऐसे ही होगा, बट अब की बार मैंने क्या करा, मैंने इस वाले वेक्टर को किससे डिवाइड कर दिया, ए वाले वेक्टर को, ए वाले वेक्टर को मैंने डिवाइड कर दिया किससे, 3 न्यूटन से, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो मेरे पास ये बना, ये मेरे पास क्या कहलाएगा, मेरा यूनिट वेक्टर। और इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, उस वेक्टर को एक टोपी पहना दो, उसके ऊपर कैप लगा दो, ऐसे कैप लगा देते हैं, है ना, तो ये कहलाता है ए कैप। तो किसी भी वेक्टर के ऊपर टोपी लगी हुई हो, जिस वेक्टर ने टोपी पहन रखी है, जिसने कैप पहन रखी है, वो एक यूनिट वेक्टर होता है। तो किसी भी वेक्टर को अगर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, क्या इसका मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन था या नहीं था, तो किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूं, तो मेरे पास यूनिट वेक्टर बन जाता है। यही पूरा पंगा है, बस किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दूं, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, उसका यूनिट वेक्टर बन जाएगा। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। देखो लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर इज अ गिवन वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, यही चीज लिखी हुई है। क्या रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर, किसी भी दिए हुए वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कैसा है, 1 है। तो यूनिट वेक्टर हैज ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू वन। देखो ना इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसके लिए 1 ही तो आएगी सिर्फ। जब तुमने न्यूटन भी यहाँ पे उठा लिया, तो ये न्यूटन भी गायब हो गया, सिर्फ 1 बचा। तो इसका मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। उस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं कि वेक्टर को अगर मुझे 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना पड़ जाए, तो मैं कैसे करूंगा, यानी कि x-axis, y-axis और z-axis तीनों की तीनों आ जाएंगी, तो सिचुएशन में किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये 3 डायमेंशन में, 3 स्पेस में एक पॉइंट है xyz, मुझे इसे वेक्टर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है इस पॉइंट को, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, थोड़ा डिटेल में देखो जरा, इस व्यू में देखो ले जाके क्या होता है। देखो इस पॉइंट पे पहुंचना है xyz, ये इस प्लेन में है, ये z-axis, ये y और ये x-axis,
तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, मेरे पास ये जो वेक्टर है इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का सबसे सिंपल तरीका देखना। यहाँ पे मैग्नीट्यूड की अगर बारे में बात करूँ, मैंने पॉइंट ऐसे ही मान लिए, ये 3 यूनिट का, ये 4 यूनिट का, ये 5 यूनिट का, यानी एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 4, जेड की वैल्यू 5। अब यहाँ तक जाने का क्या रास्ता है? देखो भाई, ओरिजिन से चलोगे, सब कुछ ओरिजिन से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप चले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक ऐसी तरीका बता रहा हूँ, सबसे पहले चले आप एक्स के अलॉन्ग 3, भाई ये एक्स की है, ये वाई है, जेड है, एक्स के अलॉन्ग चले 3 यूनिट, ठीक है, चल दिए। फिर y के अलॉन्ग चले, देखो इधर की तरफ y है ना, फिर y के अलॉन्ग चले 4 यूनिट, ठीक है भाई, यहाँ पे आ गए। फिर ऊपर की तरफ z के अलॉन्ग चले 5 यूनिट, तो z के अलॉन्ग कितना चले, z के अलॉन्ग आप 5 मीटर चले, 5 यूनिट चले, तो z के अलॉन्ग चले ऊपर की तरफ 5 यूनिट, पहुँच गए इस जगह पे। तो ये x वाला पार्ट हो गया, ये y वाला पार्ट हो गया, z वाला पार्ट हो गया। क्या ज़रूरी था ऐसे ही करना? ना, डजेंट मैटर। आप पहले z पे चल लेते, फिर x पे, फिर y पे, कुछ भी ऑर्डर। देखो यहाँ पे एक और तरीका, पहले मैं z की तरफ गया ऊपर की तरफ 5 मीटर, ठीक है, उसके बाद में क्या करा, उसके बाद में गया x की तरफ 3 मीटर, देखो आगे की तरफ आया हूँ, x की तरफ आया हूँ 3 मीटर, फिर मैं गया y की तरफ 4 मीटर, और फाइनली जाके इस पॉइंट पे पहुँच गया। यानी अगर मुझे इस तरह की चीज़ को, इस तरह के पॉइंट को, कि सर 3D में मेरे पास एक पॉइंट है, 3 है, 4 है, कुछ भी, -7 है, इसको अगर मुझे वेक्टर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूँगा? तो बच्चों इसका तरीका सिंपल सा ये होता है कि सपोज़ ये एक ए नाम का वेक्टर है और इसका पॉइंट ये है, इसको वेक्टर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। तो ये एक्स यूनिट हो गई, ये वाई यूनिट वाला हो गया, ये जेड वाला हो गया। तो क्या करते हैं, एक्स वाले के साथ आई कैप की मल्टीप्लाई, 4 वाले के साथ जे कैप की मल्टीप्लाई, और 7 वाले के साथ के कैप की मल्टीप्लाई। मुझे एक बात बताओ, आपने आई कैप की मल्टीप्लाई करी, इससे मल्टीप्लाई करने से कुछ नया फर्क थोड़ी ना पड़ा? क्या ये 3, 10 थोड़ी ना हो जाएगा? आई कैप तो एक यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा। तो ये अभी भी है तो 3 ही वैल्यू, ये भी अभी भी है तो 4 ही वैल्यू, ये भी अभी भी 7 वैल्यू है। अब आई कैप जे कैप के कैप लगाने से क्या हो गया, मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो 3 है ना, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। मतलब ये आई कैप होता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जो होता है ना, देखो ये आई कैप होता है, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग आई कैप वाला यूनिट वेक्टर मानते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग जे कैप मानते हैं, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर मानते हैं उसको के कैप मानते हैं। तो जैसे ही किसी भी वेक्टर पे, यहाँ पे 3i कैप लिखा हुआ है, यानी 3 यूनिट चलना है एक्स डायरेक्शन में, 4 यूनिट चलना है वाई डायरेक्शन में, और 7 यूनिट चलना है कौन से में, जेड डायरेक्शन में। समझ में आ रही है ना बात? तो ये आई कैप, जे कैप, के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स विच हैज बीन टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये फायदा होता है यूनिट वेक्टर अटैच करने का, कि अब हमें बिल्कुल क्लैरिटी हो गई कि कौन सी चीज एक्स एक्सिस के अलोंग है, कौन सी वाई के अलोंग है, कौन सी जेड के अलोंग है। अगर कोई इसको अब ऐसे भी लिख दे ना, 7k कैप लिख दिया किसी ने, प्लस 3i कैप लिख दिया, प्लस 4j कैप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी हमें कोई चेंज नहीं करा सकता। बट अगर उसने इन पॉइंट को मॉडिफाई कर दिया होता तो बहुत गड़बड़ हो जाती ना। यहाँ तो सीक्वेंस मैटर करती है, पहला x, दूसरा y, यहाँ z। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आई के और जे कैप नजर आ रहे हैं, पता है अच्छे से, जिसके साथ आई कैप है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, जिसके साथ जे कैप है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगी वो चीज़, जिसके साथ के कैप है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगी। 12th में बहुत काम आती है ये बात, बहुत ज़्यादा काम आती है। तो ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई, ये रिप्रेजेंटेशन नोट वोट कुछ नहीं करना है, अच्छे से देख लेना किस तरह से बता रहा हूँ। बस इतना लिख लेना कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरे पास है, इस तरह का ये डायग्राम बना लेना, और ये एक एग्जांपल लिख लेना कि आई कैप हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर हो गया, जे कैप वाई के अलॉन्ग हो गया, के कैप जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर हो गया हमारा, ठीक है। इस डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ये तो विजुअलाइज कराने के लिए बताया है 3 डायमेंशन में। देखो अब एग्जांपल्स देखो, फोर्स वेक्टर है 10 न्यूटन का, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो 10 न्यूटन में मुझे रिप्रेजेंट करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, तो मैंने क्या करा, आई कैप से मल्टीप्लाई कर दी। तो आई कैप अगर लिखा हुआ होगा, अपना आप देख के समझ जाऊंगा कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा प्लस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अब ऐसे ही 10 न्यूटन का फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो आई कैप ना लेके माइनस का आई कैप ले लेना, ये माइनस यहां नहीं आएगा, यहां लिखना आई कैप ना लेके क्या लिख लेना, माइनस का आई कैप लिख लेना। तो अगर माइनस 10 आई कैप है तो एकदम समझ जाऊंगा, अच्छा फोर्स 10 न्यूटन का लगाना है माइनस आई कैप, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो बहुत फर्क पड़ता है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। 20 न्यूटन है, नेगेटिव जेड एक्सिस पे लगा हुआ है, तो जेड एक्सिस मतलब के कैप, नेगेटिव मतलब माइनस, तो यहाँ पे के कैप के साथ क्या लिखूंगा, एक माइनस इंट्रोड्यूस कराऊंगा, लिख लेना बच्चों, ये माइनस लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, तो माइनस का 20 न्यूटन के कैप आ जाएगा। तो इस तरह से कहीं पे किसी ने बोला एक्सेलरेशन है और उसने एक्सेलरेशन बोल दिया 3j कैप, तो क्या समझोगे, इसका मतलब 3 m/s² का एक्सेलरेशन लगा हुआ है टूवर्ड्स किधर की तरफ, जे कैप है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है भाई। तो हमारे पास आई कैप होता है, तो
एक्स डायरेक्शन, माइनस आई कैप होता है तो माइनस एक्स डायरेक्शन, भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों डायरेक्शन होती है ना, बस इस तरह से आराम से सब चीज़ें निकाल लोगे। तो ये रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लगता बहुत बेसिक है बट जिसको ये आते होंगे ना उनको कभी दिक्कत नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में। थोड़ी सी और प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर लेते हैं। रिप्रेजेंट दीज वैक्टर्स बाई इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ यूनिट वैक्टर। इन वैक्टर्स को आपको इक्वेशन फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है यूनिट वैक्टर का सहारा लेते हुए। अच्छा, जनरली क्या मानूंगा, ये एक्स डायरेक्शन होती है, ये वाई होती है, इधर को होगा तो जेड होती है। खैर, ये एक्स डायरेक्शन, इधर की तरफ 10 न्यूटन की कोई चीज़ है तो इसको कैसे लिखूंगा इक्वेशन फॉर्मेट में, 10 आई कैप, ठीक है, 10 न्यूटन लिखोगे पहले पूरा और साथ में क्या लिखोगे, पॉजिटिव साइड पे है तो आई कैप, तो ये आंसर खत्म हो गया। ठीक है, इसी तरह से 5 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है तो क्या लिखोगे, 5 मीटर पर सेकेंड, साथ में क्या लिखोगे, जे कैप, वाई एक्सिस की तरफ नज़र आ रहा है ना एरो। अच्छा, इसी तरह से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं और ये आपके ब्रेन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगी कि कैसे चीज़ों को तैयार करना होता है। अभी एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन सर, नेगेटिव वाई डायरेक्शन, तो क्या लिखना चाहिए मेरे को यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे लिखना चाहिए माइनस का जे कैप, दैट मीन्स ये आ जाएगा माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, जे कैप। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और चीज़ें देख लो, दो दो चीज़ें हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करें, यहाँ तो पंगा है, कोई पंगा नहीं है। आप कैसे, कौन सा रिप्रेजेंट करूँ, 7 वाला, 5 वाला, आपकी मर्जी है, जो चाहे रिप्रेजेंट कर लो। मान लें 5 न्यूटन का रिप्रेजेंट करना चाहते हो, नीचे की तरफ है तो 5 न्यूटन माइनस का जे कैप, ठीक है, प्लस 7 न्यूटन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो 7 न्यूटन आई कैप, थोड़ा सॉल्व करोगे तो माइनस का 5 न्यूटन जे कैप प्लस 7 न्यूटन आई कैप, देख रहे हो ना। तो इससे समझ में आता है कि अगर मेरे पास ये फॉर्मेट लिखा हुआ है तो 7 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और 5 न्यूटन का फोर्स माइनस वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। अब ये तीनों के तीनों आ गए एक्स वाई जेड में, सब कुछ पॉजिटिव साइड में ही है, तो बड़ा ही आसान हो गया। 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन आई कैप प्लस इसको लिखो 3 न्यूटन जे कैप प्लस इसको लिखो 4 न्यूटन के कैप, समझ में आ गई ना। देखो कितनी आसानी से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो इन चीज़ों को। तो आपको वेक्टर पढ़ने आ जाएंगे, आपको चीज़ों का मतलब समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसा वेक्टर लिखा हुआ है 5i कैप 3j कैप 4k कैप, तो सिर्फ ये नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको मतलब भी पता है कि अच्छा 5 न्यूटन फोर्स का मतलब x के अलॉन्ग लग रहा होगा, 3 न्यूटन y के अलॉन्ग लग रहा होगा और 4 न्यूटन z के अलॉन्ग लग रहा होगा। मान लें यहाँ पे ये माइनस का 4 न्यूटन होता तो उसका मतलब 4 न्यूटन यहाँ को ना लग के कहाँ को लग रहा है, ऐसे लग रहा है पीछे की तरफ, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, सब चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब उल्टा हो गया, अब यहाँ पे क्या बोला इस जगह पे उसने, रिप्रेजेंट दीज वैक्टर्स बाय पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब उल्टा करना है, आई कैप जे कैप लगा के दे दिए, एरो बना के शो करना है। अब 10 न्यूटन का फोर्स शो करना है माइनस आई कैप यानी कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ऐसे शो कर सकता हूँ भाई 10 न्यूटन, ठीक है, माइनस मत लगाना अलग से, एरो बना दिया ना, एरो अपने आप में सेल्फ सफिशियंट है, इधर की तरफ है तो माइनस वैल्यू आएगी। 5 न्यूटन जे कैप पॉजिटिव वाली साइड है यानी 5 न्यूटन जे कैप, ठीक है, बड़े आसान सी एक्सरसाइज हैं। अब इन्हें सॉल्व करते हैं, 2 न्यूटन आई कैप, मज़ा आएगा इनको सॉल्व करने में, कुछ नहीं है इनमें, तो 2 न्यूटन आई कैप सर ऐसे लिख दिया, 5 न्यूटन जे कैप नेगेटिव साइड में है तो नीचे की तरफ बना लोगे, ठीक है, ऐसे बना लेना 5, एक मिनट को ऐसे लिखना है इसको 5 न्यूटन, है ना, माइनस मत लगाना। तो 2 न्यूटन आई कैप पॉजिटिव डायरेक्शन में, 5 न्यूटन जे कैप माइनस में है तो नीचे की तरफ। इसको देखो, आई कैप का 3 न्यूटन है, आई कैप का 3 न्यूटन है नेगेटिव में, तो ठीक है सर 3 न्यूटन हम लोगों ने नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया। फिर 8 न्यूटन प्लस जे कैप, तो ऊपर की तरफ चलेंगे 8 न्यूटन प्लस जे कैप पे, तो 8 न्यूटन प्लस जे कैप होगा तो उसका मतलब ऐसे थोड़ा सा लेंथी वेक्टर बना दिया 8 न्यूटन का, ठीक है, मतलब एक ब्लॉक है उस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है ना, इस तरह से मान के चलना, बच्चों को डाउट होता है कई बार ऐसे, इस तरह से यहाँ पर भी एक ब्लॉक है, कोई चीज़ है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, कुछ तो होगा ना इस पर फोर्स लगा रहे होंगे, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, डन। अब आपको दोनों तरह से आई जे के कैप में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी ना, हैंडल करने आ गए अच्छे से, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकलवाओ ज़रा इन तीनों वेक्टर का, मैग्नीट्यूड पूछा है, ए वाले की बात करते हैं, एफ का मैग्नीट्यूड मतलब ऐसे लिख लो या फिर सिर्फ ये लिख लो, बताया था ना एक ही बात होती है, यहाँ पे क्या ये है, मैग्नीट्यूड निकालूँ, कैसे निकालूँ मैग्नीट्यूड, आप देखो ना आई कैप के पास जो लिखा है वही तो मैग्नीट्यूड होता है, 10 न्यूटन खत्म कहानी, आई कैप को मार दो गोली, आई कैप का कैप जो हमारे पास वैल्यू होगी, आई कैप यूनिट वेक्टर है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, तो सिर्फ कितना बचा, 10 न्यूटन बचा,
बट अब यहाँ पे पंगा होता है जब यहाँ पे दो दो वेक्टर है, यानी आई कैप के साथ जे कैप भी आ जाए या के कैप भी आ जाए, अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? तो भैया अब की बार ध्यान रखना, ऐसी सिचुएशन में डायरेक्ट मत निकाल देना। मैं इसका तरीका बताऊंगा अभी। देखो पहले हमें क्या करना होता है शॉर्टकट पे, फिर बताऊंगा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कि क्यों करा ऐसा। आई कैप के पास दो लिखा हुआ है, दो का स्क्वायर कर दो, प्लस जे कैप के पास चार लिखा हुआ है, चार का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर रूट में रखना है इन्हें। तो हमारे पास टू का स्क्वायर होता है फोर, फोर का स्क्वायर होता है 16, कितना हुआ 20, है ना। 20 को सॉल्व कर लो, फोर फाइव जो 20, तो टू रूट फाइव हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक से लिख लेना, टू रूट फाइव। अभी ये क्यों करा सर, ये क्यों करा स्क्वायर रूट में? ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालने का मेथड है, बट ये आया क्यों? सोचो जरा, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवाओ। आ जाओ इधर, टू आई कैप है, टू आई कैप इधर की तरफ टू वैल्यू, ठीक है। फोर जे कैप है, फोर जे कैप का मतलब ऊपर की तरफ फोर वैल्यू, समझ पा रहे हो ना? यहाँ की तरफ टू वैल्यू, यहाँ की तरफ फोर वैल्यू। इनका जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगा, यानी इसका जो रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट जो होता है, वो रिजल्टेंट इस वाले वेक्टर से रिप्रेजेंट होगा, है ना। ये चीज़ तुम्हें पैरेललोग्राम लॉ में या ट्रायंगल लॉ में समझ में आ जाएगी। यानी यहाँ पे मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि कोई चीज़ है उस पर एक्सेलरेशन दो वैल्यू का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, चार वैल्यू का वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो टोटल वैल्यू आपने सॉल्व करी निकाल के, दो रूट फाइव का एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन उसके ऊपर आया। तो दो का वेक्टर इधर, चार का वेक्टर इधर, तो ये जो आप निकालोगे पाइथागोरस से, मुझे बता दो तब करोगे नहीं करोगे चार का स्क्वायर दो का स्क्वायर? बिल्कुल, ये मेथड क्या निकालोगे उसको? दो रूट फाइव आएगा, नहीं आएगा आंसर तुम्हारा। तो इस वजह से हम लोग मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, ठीक है। काम आएगा ये भी आपके लिए बहुत, सी वाले पार्ट में। ट्रिपल वेक्टर दे दिया तीन डायमेंशन में, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसमें क्या दिक्कत है? स्क्वायर रूट ऑफ, अब तो निकालोगे ना, क्योंकि 3D में डायग्राम नहीं बना पाऊंगा हर बार। थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर और फाइव का स्क्वायर, तो हमारे पास हो गया 9, 16, 25। तो ये भी 25, 25, 25, 25, 50, 50, मतलब 5√2, ठीक है भाई। इस तरह से हमारे आंसर्स बड़े आराम से रहेंगे। कुछ क्वेश्चन और, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस वन वेक्टर ए? सर पता नहीं, कुछ भी बना लो जो तुम्हारा मन करे। इधर को बना लिया, ये क्या है? माइनस का 3/2। अब नाप के तो बनाने नहीं है, एक तो 3/2 है, 3/2 मतलब डेढ़ गुना है। गलती से छोटा वेक्टर मत बना देना, 3/2 मतलब डेढ़ गुना वेक्टर है। माइनस मतलब डायरेक्शन चेंज करनी है, ठीक है भैया। पहले तो वेक्टर इतना ही बड़ा बनाया, फिर थोड़ा सा इसका आधा सा और बढ़ा दिया, तो लगभग डेढ़ गुना वेक्टर हो गया डायरेक्शन चेंज करके। माइनस का 3/2 ए, एंगल बताओ देख के कितना है? पैरेलल वेक्टर ही तो होंगे दोनों एक दूसरे के, एक इधर की तरफ है एक इधर की तरफ है, तो थीटा कितना हो गया यहाँ पे 180 डिग्री का, ठीक है। चीज़ें रिप्रेजेंट हो पा रही है ना, तो कुछ नहीं है इनमें फॉर्मूला लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स से दो वेक्टर आ जाएंगे, उनके बीच में एंगल पूछेगा, तरीका बताऊंगा उसको करने का। अभी तो ये बच्चों वाले वेक्टर हैं, सेम टू सेम है, एरो बना के मतलब डायग्राम बना के आंसर निकल पा रहे हैं हमारे। तो एक और, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस वन ए और हाफ ऑफ ए? ए वेक्टर मान लिया ऐसे है, हाफ ऑफ ए प्लस है, तो मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, हाफ है मतलब आधा कर देना है, लगभग ऐसे। कितना एंगल है? 0 डिग्री का, एक ही डायरेक्शन में है भाई। और क्या पूछे? रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, इसमें क्या है? तो आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे लिख लो देखो और अच्छे से, हाफ को अलग बाहर निकाल लो, हाफ का मैग्नीट्यूड तो हाफ ही होगा ना ए का मैग्नीट्यूड, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये ऊपर चला गया, तो कितना आ गया 2/1, यानी 2:1। इस चीज़ को थ्योरी में लिख लेना कि द रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दिस वन, वो कहानी अलग है। तो क्वेश्चन देख लो, छोटे से छोटे क्वेश्चन करोगे तो फिर कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से उठा के एकदम से शुरुआत में पहले दिन ही तुम्हें डॉट प्रोडक्ट पढ़ा दूँ, पहले दिन ही तुम्हें स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा दूँ, वहीं पे वेक्टर प्रोडक्ट आ जाए, सारी चीज़ एक साथ आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बहुत छोटे से लेवल से स्टार्ट करो और सारे क्वेश्चन होते हुए तुम्हें खुद ब खुद नजर आएंगे, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन है, एक यूनिट वेक्टर बोला है उसने ऐसे रिप्रेजेंट होता है, उसने कहा ये वेक्टर जो है ना एक यूनिट वेक्टर है, तो सी की वैल्यू क्या होगी? अब दिमाग में एकदम से क्लिक करना चाहिए कि अच्छा अगर ये यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, तो इसको पहले लेट कर लो, है ना। इसका वेक्टर का मुझे कुछ नहीं पता, ये कुछ यूनिट वेक्टर होगा, तो मैंने इसे ए कैप लेट कर लिया। ए कैप इज इक्वल्स टू 0.5 आई कैप, है ना। नाम तो मुझे पता नहीं, तो मैंने मुझे इतना पता यूनिट वेक्टर है बस। देयरफॉर
ए कैप का जो मॉड निकालूंगा हमेशा वन होगा, डेफिनेशन यही होती है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड वन यूनिट का होता है। निकालते कैसे हैं, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके निकालते हैं। निकालना भी सिखा दूंगा अभी बाद में, अभी देखो फिलहाल ए कैप का मॉड इज इक्वल टू वन। तो ए कैप का मॉड इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो ना, सिखाया तो था अभी अभी, स्क्वायर रूट ऑफ 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। दोनों साइड का स्क्वायर करो तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 0.25, 0.64 प्लस सी स्क्वायर। तो स्क्वायर करा इस साइड का तो स्क्वायर रूट हट गया, इस साइड का स्क्वायर करोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वन ही है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन में से इनको माइनस करो ऐड करके, 4 और 5 होते हैं 9, ठीक है, 6 और 2 होते हैं 8, तो 0.89। तो ये आया सॉल्व करके 0.11। तो सी की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.11। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। निकाल पा रहे हो ना आंसर, तो इस तरह से टैकल करना आसान हो जाएगा। एक MCQ, ए वेक्टर इज नॉट चेंज इफ, वेक्टर कब चेंज नहीं होगा, इफ इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्ररी एंगल। आपने उसे किसी रैंडम एंगल से घुमा दिया ना, एंगल एक वेक्टर यूं था और तुमने उसे यूं करके ऐसे बना दिया तो चेंज हो गया भैया सब कुछ, आप एंगल ऐसे थोड़ी ना चेंज कर सकते हो। तो ये तो गलत है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। तो इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय एन आर्बिट्ररी स्केलर, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, उसकी लेंथ भी चेंज हो सकती है, तो अनचेंज रहे ऐसा भी पॉसिबल नहीं है इससे। क्योंकि जिस भी आर्बिट्ररी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, आर्बिट्ररी मतलब रैंडम कोई भी वैल्यू से, तो बदल जाता है ना वेक्टर, आपने इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ध्यान रखना। उसने बोला है मान लो एक वेक्टर था 2i कैप, इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ किसी यूनिट वेक्टर से, ए कैप से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो कहानी बदल जाती है, ये क्रॉस प्रोडक्ट होती है ध्यान रखना, इसको पढ़ाऊंगा आगे। तो ये एक नया वेक्टर निकल के आएगा इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद, तो ये भी गलत है। कौन सा ऑप्शन बचा, लास्ट वाला, इट इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, किसी भी वेक्टर को कोई वेक्टर ऐसे बना हुआ था इस तरह से, इसको उठा के आप यहाँ से उठा के यहाँ रख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ रख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपनी डायरेक्शन के पैरेलल कहीं पर भी ट्रांसप्लांट उसको कर सकते हो आप, ठीक है, कहीं भी ट्रांसफर हो जाएगा आराम से। तो डी ऑप्शन हमारा सही माना जाएगा यहाँ पे। अब थोड़े से क्वेश्चन घर से, एक तो ये कर लेना आराम से, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद ये NCERT के क्वेश्चन है, इसमें स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज छांटनी है, भाई ये आपका काम है, मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया। तो ये स्टार्टिंग के तीन क्वेश्चन एक्सरसाइज में 4.1, 4.2, 4.3, इन तीनों को आप आराम से बैठ के कर लेना, ठीक है। कोई डाउट होगा किसी क्वांटिटी में कि ये डाउट में आ रही है स्केलर वेक्टर, मुझसे पूछ लेना वो क्वांटिटी। बाकी ये क्वेश्चन बहुत बेसिक पढ़ाया भैया स्केलर वेक्टर का, मतलब एक तरह से मान लो कि ABCD पढ़ाने के लिए शुरुआत करिए आज, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती रहेंगी, टाइम टू टाइम बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, काफ़ी सारी क्लैरिटी आपको हो जाएगी हर चीज़ में। तो जो पढ़ाया जाता है उस पर फोकस करके उसको अच्छे से यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए कि तुम्हें क्या पढ़ाया गया है एग्जैक्टली, ठीक है। चलो